हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं, क्योंकि BTC जो है थोड़ा सा नीचे आ चुका है। कह सकते हैं 56,000 के आसपास अभी चल रहा है, लेकिन 55,600 के आसपास इसने एक नीचे की तरफ हिट किया है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि जो नीचे का एक जो जोन है 51 से लेके 54, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहाँ से BTC पलटी मार सकता है ऊपर की तरफ। इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले यही चीज कहना चाहता हूं कि हमें मार्केट के दोनों सिनेरियो पे नजर रखना है। लॉन्ग टर्म में वी ऑल नो, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि BTC यहां से अच्छी खासी रैली देगा, लेकिन हर एक अच्छी खासी रैली के पीछे छोटा मोटा करेक्शन होता है। हमने पहले भी देखा है, 64 पे गया था, 67 पे गया था, 69 पे गया था, कितना करेक्शन आया था, 50, वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो बेस्ड ऑन डेट सारी एनालिसिस निकाल के रखिए, सपोर्ट्स निकाल के रखें, कहाँ पे आएगा, तब क्या करना है, कब स्कैल्पिंग करनी है, कब प्रॉफिट कमाना है, सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि आप इस गिरते मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। बशर्ते जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको नोट कर लेना, चार्ट्स के ऊपर अलर्ट्स वगैरह डाल लेना और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। ये मत सोचना कि हाँ ये मैंने सुन लिया है और फिर कोई मुझे थाली में परोस के दे देगा कि भैया ये लो खा लो प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू सम वर्क एट योर एंड आल्सो, ओके। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, वीडियो एनालिसिस अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। उसके साथ ही टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसकी ओरिजिनल जो लिंक है ओपन फॉर प्रॉफिट वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसी को ज्वाइन करना। आप में से जिन लोगों ने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है एक बार क्रॉस चेक कर लेना, चैनल का यूजर नेम ओपन फॉर प्रॉफिट होना चाहिए, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। तो स्कैमर्स के चैनल पे हो तो वहां से एग्जिट करके रियल चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर लो, ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लो, ठीक है। तो फटाफट चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आपको पसंद आए वीडियो। यहाँ पे मैंने पूरी एनालिसिस निकाल के रखी है, लिख के रखा है ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम बच सके और चीज़ों को क्विकली आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले BTC की बात करते हैं, तो राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 56,252 के आसपास चल रही है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब भी एक हाई गया था वहाँ से करेक्शन कितना कितना आया था। अभी लेटेस्ट जो हाई गया था 69,000 के आसपास गया था, वहाँ से जो गिरावट हुई है 55,500 के आसपास, -20% के आसपास हुई है, और टोटल जो गिरावट हुई है $13,300 के नीचे की तरफ गिरावट हुई है, ठीक है। और इसने अभी एक नया लो बना लिया है कंपेयर टू प्रीवियस जो गिरावट हुई थी, अक्टूबर में हुई थी, जब मार्केट ने 67,000 को टच किया था और उसके बाद से जो गिरावट थी -16% थी, 10,600 के आसपास नीचे गिरा था, और जो एक बॉटम था 56,384। तो ये जो अभी लो बना है इसने इस लो को ब्रेक कर दिया है, ओके, ये नया लो बना है अभी। अब एक और गिरावट की बात करते हैं कि जब भी हाई पे जाता है तो कितना कितना गिरता है। अप्रैल में 65,000 के आसपास गया था, एक हाई बना था 64,000 समथिंग था, तो वहां से 27% के आसपास गिरावट हुई थी, लगभग $18,000 नीचे की तरफ गिरा था और 47,000 के आसपास प्राइस गया था। मई में जो गिरावट हुई थी 59,500 के आसपास गया था, और वहां से जो गिरावट हुई थी 49% के आसपास हुई थी, लमसम कह सकते हैं 50% के आसपास गिरावट हुई थी और $29,500 गिरावट हुई थी, और जो प्राइस भी नीचे बॉटम आया था हमारा, एक डिप नियर अबाउट 29,000 के आसपास आया था। तो यहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि जब भी एक हाई पे गया है तो उसमें अच्छी खासी एक करेक्शन आई है, गिरावट आई है, ओके, वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की, उससे पहले फटाफट थोड़े से एक सपोर्ट लेवल्स आपको मैं बताता हूँ, उनको आप नोट कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, मतलब क्या हो गया कि अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो आप एक क्विक शॉर्ट स्कैल्पिंग कर सकते हैं उससे नीचे सपोर्ट के लिए, समझिए मेरी बात। पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है राइट नाउ अभी 53,300 का है, ये अगर टूटता है तो 50,806 के आसपास जाएगा, ये टूटेगा तो 47,200, उसका 44,190, 41,103 और 30,000 के आसपास, समझिए किस हिसाब से ट्रेड करना है। एक नीचे की अगर दीवार टूटती है तो उसको सहारा देगा उसके नीचे वाला दीवार,
नीचे वाली जमीन उसको सहारा देगी। तो इस हिसाब से आप शॉर्ट स्कैल्पिंग कर सकते हैं। याद रखिए लेवरेज वगैरह कर रहे हैं तो बहुत कम लेवरेज यहाँ पे यूज़ करना, क्योंकि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हाई लेवरेज लोगे सब कुछ खाली हो जाएगा। तो ये मैं अपने एनालिसिस बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करके रखा है मैंने, और आप लोग को अगर सही लगे चार्ट्स एनालिसिस खुद भी करना थोड़ा बहुत, और देन ऑनली यू शुड टेक एंट्रीज। ओके, तो ये सपोर्ट लेवल्स आप यहाँ पे पूरा नोट कर लो। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैं आप लोग को नज़र रखने के लिए कहूँगा, जो अभी चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है। अगर मैं चार्ट्स पर आपको दिखाऊँ तो ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है, ओके, यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज है, और रेड वाली जो लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने 50 मूविंग एवरेज जो है इसको तोड़ दिया नीचे। तो ये जो होता है एक कह सकते हैं एक बेयरिश साइन होती है, यानी कि जो बेयर्स हैं वो तगड़े हैं यहाँ पे, और उन्होंने एक जो मोटी अड़चन थी उसको तोड़ दिया, नीचे आ गया। ओके, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो एक सपोर्ट है, जैसे मैंने कहा 53,300 यानी 53,000 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ओके, अब अगर चार्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि पहले भी जब 50 मूविंग एवरेज टूटा था तो प्राइस कितना नीचे तक गया था, कितना बाउंस बैक हुआ था, और कौन सा एक परसेंटेज लेवल है कि इतना अगर बाउंस बैक होता है तो हम वापस एक बुलिश सिनेरियो के अंदर आ सकते हैं, और कितना अगर कम होगा तो वो एक फेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमने क्या देखा है कि जब भी 50 मूविंग एवरेज को प्राइस ने तोड़ा है तो प्राइस में लगभग एक जो फॉल आया है ऑन एन एवरेज वो 16% की गिरावट हुई है। ओके, उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि अभी जो 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे जो टूटा है, ओके, तो यहाँ से अगर हम -16% के आसपास लेते हैं तो हमारे पास एक जो वैल्यू आती है वो आती है 49,700 के आसपास कि यहाँ तक आएगा, और यहाँ से चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि बाउंस बैक ले, इस लेवल से बाउंस बैक हो सकता है। अगर इससे और नीचे जाता है तो हमारे जो दूसरे जो सपोर्ट्स हैं वहाँ तक आप अपना टारगेट बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि अगर इस लेवल पे आता है देन इट इज़ ए गुड लॉन्ग स्कैल्पिंग, और इसका जो आप टारगेट पकड़ सकते हैं वापस से 50 मूविंग एवरेज जो है यानी कि ऊपर 16% के आसपास वापस से आप पकड़ सकते हैं इसका टारगेट। इस हिसाब से हमको ये पूरा जो ट्रेडिंग का गेम है इसको प्ले करना है। ठीक है, तो माइंड के अंदर ये सारी कैलकुलेशंस फिट करनी पड़ेगी। ठीक है, वापस से कह रहा हूँ कि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ओनली यू कैन मेक ए गुड प्रॉफिट इन दिस मार्केट। अदरवाइज यहाँ से सुनोगे कि भाई ऐसा करना है, वहाँ से सुनोगे ऐसा करना है, यू विल गेट कन्फ्यूज। बेटर है खुद अपना अप्रोच बनाओ, खुद देखो चार्ट्स के ऊपर क्या चीजें दिख रही हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट करो। बहुत सिंपल चीजें हैं, जस्ट नंबर्स को पकड़ना है, देखना है कहाँ क्या आ रहा है। ओके, तो आई होप ये पार्ट आप समझ गए होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि चलिए अगर सपोज कीजिए 49,700 या 50,000 या 51,000 से बाउंस बैक लेता है तो क्या ये बुलिश सिनेरियो होगा अगर 50 मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाता है। यानी कि अगर सपोज कीजिए यहाँ आता है और यहाँ से वापस बाउंस बैक लेता है और ब्लैक वाली लाइन से ऊपर जाता है तो क्या हम बुलिश सिनेरियो के अंदर आ गए, या बीटीसी यहाँ से अच्छा खासा पंप ले लेगा या कुछ और छोटा मोटा करेक्शन देगा। वापस एक चीज़ और कह रहा हूँ कि लोग सोच रहे होंगे यार जिया भाई आप तो कह रहे थे कि यार इतना ऊपर जाएगा, अफकोर्स जाएगा। ओके, बट वी हैव टू गो विद दिस करेक्शन। पहले भी आया था भाई 67 के आसपास से आया था, 65 से 27% नीचे गिरा था। ओके, और 47,000 से फिर वापस से 69,000 मारा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर है, और सीजेट का ट्वीट भी आया था कि मार्केट के अंदर डिप्स मिलते हैं और करेक्शंस मिलते हैं, और ये मार्केट की एक साइकिल है, तो उसने भी एक इंडिकेशन दिया था, और उसकी इंडिकेशन देने के बाद ही ये सारी चीज़ें आप देखो इस हिसाब से हो रही है। तो दे नो वॉट नेक्स्ट इन द मार्केट, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता है क्या होता है। परेशानी किसके लिए होती है, हम जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको अपना पूरा दिमाग दौड़ाना पड़ता है कि यार ऐसा होगा वैसा होगा क्या होगा। ओके, और अगर चीज़ें सही तरह से बैठ गई तो वी आर इन प्रॉफिट, अगर नहीं बैठी तो हम नुकसान में, और नुकसान में अगर होता है तो नुकसान हमें कम करना है। कम कैसे कर सकते हैं, कल की जो एक वीडियो थी मेरी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर उसको देख लो, समझ लो, उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, अब बुलिश सिनेरियो कब हो सकता है, चलिए प्राइस ऊपर आया और 50 जो मूविंग एवरेज है इससे ऊपर गया, तो 50 मूविंग एवरेज जो लाइन है उससे अगर जो प्राइस है 5-6% जो है ये ऊपर की तरफ रहता है तो चीज़ें वापस से बुलिश है, हम ऊपर की तरफ एक रैली देखेंगे। ठीक है, अगर
5% से ऊपर नहीं होता है, 4% या 3% आता है और फिर कैंडल नीचे की तरफ दर्शाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो यानी कि ये एक फेक आउट ब्रेकआउट होगा, ओके, और प्राइस वापस से नीचे की तरफ आ जाएगी जैसे कि यहाँ पे हुआ था। इस हिसाब से देख रहे हो, ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक जो था इसको तोड़ के थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, इसको हम फेक आउट कहते हैं। तो कम से कम 50 मूविंग एवरेज से 5 से 6% का जो प्राइस है वो ऊपर होना चाहिए, ओके, और नीचे होगा तो प्राइस नीचे जाएगा, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड हम वापस से देखेंगे और हमें इन सपोर्ट लेवल्स पे फिर फोकस करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज बीटीसी प्राइस एनालिसिस। तो दोस्तों ये था क्विक अपडेट ऑन बीटीसी प्राइस एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोक देना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कि ट्विटर पे कहा था कि हम लोग 3 बैग्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हर एक बैग के अंदर 5 पॉइंट्स होंगे, एक होगा जो बड़े जो मजबूत पॉइंट्स हैं उनकी लिस्ट होगी, दूसरी होगी जो एक मिड वाली होगी जो उभरते सितारे हैं जिनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं उसका बैग होगा, और तीसरा जो होगा वो हमारे मीम पॉइंट्स होंगे जिनके अंदर अभी भी अच्छी खासी एक चमक बाकी है, फ्लॉकी है उस पर वापिस से नज़र रखो, किशू है उस पर वापिस से नज़र रखो, ये दोनों वापिस से चमक सकते हैं, ठीक है, तो एनालिसिस आएगी उसके ऊपर ज़रूर फोकस करना। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।